it's not a normal thing for the people in Karachi or कहीं पर भी संडे वाले दिन उठ कर आना. तो बहुत शुक्रिया आप सबका. ये आप देख रहे थे ये हो क्या रहा था. यहाँ पर बेसिकली एक्सपीरियंस बहुत रहा था जो एक तहरीक 5 साल पहले चली. मैं चाहता हूँ मैं आकर खुद ही सारी स्टोरी सुनाकर यहाँ से चला जाता. सो आई वॉन्ट के टीम को कैसे ग्रो किया जाता है. और ये आप लोग के लिए लर्निंग है कि आज से 5 साल पहले हम अकेले ही थे और आज ये लोग जो है आगे से एक चेन चल चुकी है और एक लेगेसी डेवलप हो चुकी है और इंशाल्लाह ये चलती रहेगी जब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान. अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम समझाना चाहता हूँ और इस प्रॉब्लम के साथ आई वांट टू टेक सम क्वेश्चन इज वेल, ताकि सिर्फ ये सोलो पे बात आ रही है बोले और चले लें, बट अपने क्वेश्चन अपने माइंड में रखिएगा. सबसे पहले तो ये समझिए कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं. हम खड़े हैं पाकिस्तान में, राइट. हम सारे पाकिस्तान में, बट पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं वो हम सबके सामने हैं, जो हम रोज देख रहे हैं. रोज कोई ना कोई बेसिकली रोज ड्रामा ही देख रहे हैं कि रोज न्यूज में क्या होता है और अगले दिन हम देखते हैं वो ड्रामा, नया ड्रामा शुरू हुआ तो जो हम तमाशाई बने हुए हैं देखते जा रहे हैं. उस तमाशाई और उस ड्रामों में पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो इस वक्त हो चुकी है, कोई कहता है 31 है, कोई 30 है, कोई कहता है 40 है, राइट. सो वो हो चुकी है 40% फॉर एग्जाम्पल, राइट. आप सबको पता है कि क्या मतलब है इसका, किस किस को पता है क्या मतलब है 40% इन्फ्लेशन हो गया. मेरा मेरे लिए क्या है पता ही नहीं है, राइट. दो तीन लोगों को पता है तो ये दिस इज नॉट द राइट थिंग. देखें आप सबको ये समझना चाहिए कि 40% का मतलब ये है कि अफजल भाई के पास थे 1,00,000 रुपया और वो रह गया 60,000 रुपया, ठीक है. या आयशा के पास एक सूट जो वो 1,00,000 का बाय करती थी वो 1,40,000 का, 100 रुपया था तो 60 रुपए रह गए. या 100 रुपए की चीज बाय करते थे तो वो 140 हो खर्च कर रहे थे. जो महंगाई है इसका ये मतलब है, ये है इन्फ्लेशन. ये समझ आई है अब क्या है, सबको समझ आ गई है. तो अब आपने क्वेश्चन अपने आप से करना है कि क्या मेरी जो इनकम थी वो 40% बढ़ी है. अगर नहीं बढ़ी तो जितनी सेविंग्स थी टाइम आएगा वो चली जाएंगी, क्योंकि आपकी सैलरी जो थी वो सैलरी लगती जाएगी और एक टाइम आएगा कि आप सेविंग से निकाल कर पैसे खर्चते रहेंगे और फिर आप कहेंगे जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, आई एम डन. तो ये प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान में, इसको समझ लीजिए. बहुत आपने बता दी इसके लिए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस और सजेशंस जो है वो ये है. पहली सर, अगर जब भी यूनिवर्सिटी मतलब जाते हैं तो 8 to 5 वही, जैसे हम जॉब करते हैं जैसे हम तालीम हासिल कर रहे हैं वही रेटा से सब चल रहे हैं. तो सर मतलब कोई भी न्यू इन्वेंशन या न्यू रेलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता, मतलब सब कोई बात कर रहे हैं भाई इसमें इस सब्जेक्ट नंबर अच्छे आ जाए, इसमें अच्छी जी पी आ जाए, जी पी ए के पीछे ये जा रही है हम भी जा रहे हैं. सर मतलब अभी क्या करना चाहिए अभी हम देखिए मैं आपको बताऊँ.